कैसे सब लोग, मेरा नाम अमित, आप मेरे चैनल देख रहे हो GTA Gamer। तो वेलकम टू GTA Gamer। तो अभी हम लोगों ने अभी जो मोड्स हम लोगों जो भी डालने वाले थे वो हम लोगों ने अपलोडिंग कर दिए है। सिंपल ट्रेनर मोड्स वो जल्दी से मैंने अपलोडिंग भी कर दिया। हमारी फेसबुक ID भी है, तो यार नीचे चेकआउट भी कर लीजिएगा। तो कोई बात नहीं, तो आज के लिए हम लोग यानी कि बेहतरीन आप लोगों के लिए एक मर्सिडीज जो बैंड्स आती है वो भी हम लोग लेके आए हो। आप लोगों को डिस्प्ले में भी देख रहा हो मिल चुका होगा, यानी कि इसकी इमेज का सब कुछ थंबनेल से भी आप लोगों को पता चल गया होगा। पर हम लोग यानी कि इसको कैसे डाउनलोड करें, यानी कि देखने में यानी कि बहुत ही अच्छा है, यानी कि फोटोज जिसने बनाया हुआ है इनकी फोटो बहुत ही अच्छी तरह से क्लिक किया हुआ है और अच्छी तरीके से हम लोगों ने बताया हुआ है, ठीक है। मैं सोच रहा कि भाई चलो आपको यही बताता हूँ नहीं कैसे अपलोड, यानी कि कैसे ही यानी कि इसका अलग ही है कैसे हम लोग डाउनलोड करें GTA 5 के अंदर, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को रिक्वायरमेंट चाहिए कि एड ऑन स्पॉनर जो हम लोगों ने आपको बताया था, एड ऑन यानी कि व्हीकल्स को कैसे स्पॉन करें उसका भी वीडियो आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, तो आई कार्ड पे भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोगों को चाहिए एक यानी कि बताओ तो ओपन IV भी चाहिए, तो यानी कि एड ऑन करने वाला है इसलिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यानी कि इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने मैंने कर दिया, यानी कि डाउनलोड करने के बाद यानी कि ये फाइल आई, इसको एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों को यानी कि दोनों फाइल आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों फाइल में आप लोगों को क्या करने का है, यानी कि जो DLX फाइल्स .rpf है उसको कुछ भी नहीं करने का, ठीक है। तो नीचे आप लोगों को एक फाइल मिलेगी, इसको आप लोगों को ओपन करने का। तो पहले आप लोग यानी कि क्या कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ओपन IV की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इसको एडिट मोड में हमेशा ऑन करके रखो। एडिट मोड में जैसे करते हो तो मोड्स फोल्डर में जाओ, मोड्स फोल्डर में जाओ, अपडेट पर जाओ, अपडेट .rpf पर क्लिक करो, कॉमन पर क्लिक करो, डेटा पर क्लिक करो, ठीक है। तो नीचे वाली जो फाइल्स है यानी कि DICLISP.XML फाइल, मैं स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ DICLISP.XML, ठीक है। इसको राइट क्लिक करने के बाद आप लोग एडिट पे क्लिक कीजिए। तो अभी एडिट पे हम लोग अभी जाने वाले हैं। एडिट पे हम लोग जाने के बाद लास्ट में हम लोगों को मिलेगा, तो लास्ट में हम लोग को एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप लोगों को जो इधर एड लिखा हुआ है, ठीक है, आइटम DL6 पैक्स और उसका जो मोड्स का नाम है उसका है, ठीक है। तो उसको राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको ओपन IV में यानी कि पेस्ट करने का है, ठीक है, इतना ही काम करना है, उसको सेव कर देंगे। चलो ठीक है, ये काम हो गया, उसको ओपन IV को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो ओपन IV को क्लोज करने के बाद आप लोगों को गेम की मेन डायरेक्टरी पे जाने का है। तो गेम की आपको जो भी यानी कि सिलेक्ट करते हो तो यानी कि वही जाने का है, ठीक है। तो मैं अपने फोल्डर खोल देता हूँ फटाफट से। फोल्डर ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करने का है कि भाई मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। इधर आप लोगों को एक मोड्स का फोल्डर दिखने वाला है, ठीक है। तो मोड्स में हम लोग क्लिक करेंगे, मोड्स में क्लिक अपडेट X64, ठीक है, तो और DLC packs। इधर आप लोगों को फोल्डर एक क्रिएट करने का है। तो न्यू करने के बाद आप लोगों को फोल्डर में क्रिएट करने का है। इधर ऐसे रखो, ऐसे रखो। इधर जो फोल्डर का यानी कि स्पॉनर नेम लिखा हुआ है इसको सिंपली आप लोगों को कॉपी करने का है, ठीक है, कॉपी करने का है। कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद आप लोगों ने जो न्यू फोल्डर रखा है उसको रीनेम कर दीजिए। रीनेम करने के बाद इसको एंटर कर दीजिए, ठीक है। एंटर करने के बाद उसको फोल्डर को ओपन कीजिए जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया हुआ था उधर वाला, ठीक है। एड ऑन पे क्लिक करेंगे, इसको सिंपली DLC पैक को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपकी गेम की मेन डायरेक्टरी जो हम लोगों ने फोल्डर बनाए थे उसको जाके आप लोग पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इतना ही आप लोगों को काम करेगा और कुछ भी नहीं करने का, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गेम को अभी रन करेंगे, नहीं कुछ भी एरर नहीं आने वाली। 110% मैंने उपयोग भी किया हुआ है, ठीक है, मैंने रन भी करके एक बार देख लिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारी सक्सेसफुली गेम रन हो चुकी है, यानी कि कोई भी यानी कि एरर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो यार चलते हो, यानी कि हम लोग यानी कि मर्सिडीज की हम लोग यानी कि जो गाड़ी हम लोगों ने एड ऑन की हुई है तो इसको निकाल दें, ठीक है। तो आप लोगों ने एड ऑन स्पॉनर वाला जो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए कैसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो प्रेस F5, सर्च एन व्हीकल्स, जो मर्सिडीज का जो नाम था MVISI, यानी कि जो भी नाम था उसको हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग अभी देखो यानी कि ये रही हमारी परफेक्टली गाड़ी, जो मर्सिडीज के जो हम लोगों ने सेम टू सेम हम लोगों ने देख रहे वही है, सेम टू सेम गाड़ी, कुछ भी फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने बताऊँ तो आप लोगों को कुछ भी फर्क नहीं है, बहुत ही अच्छी वाली गाड़ी है। तो यानी कि आप लोगों को इसको
ऐसा भी बता सकते हो कि भाई हम लोगों ने इंडिया से इनपुट की हुई है, यानी कि इसकी मॉडिफिकेशन हम लोगों को इतने में मिली है, लेकिन कुछ भी आप लोग यानी कि कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे को एकदम परफेक्टली लगा हुआ है। तो हम लोग अंदर का आप लोगों को इंटीरियर भी बता दें कैसा है, अंदर का इंटीरियर कैसा है। तो जैसे कि आप लोग देखोगे जितने जितने रेस आप लोग बढ़ाओगे तो यानी इतनी इतनी लेवल पर जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे मूवमेंट दे दें एक बार, और ये देखिए स्पीडोमीटर भी काम अच्छा कर रहा है, ओ ब्रेक भी अच्छा काम कर रहा है। तो साइड में इंटीरियर तो कुछ देखने जैसा नहीं है अंदर का, तो बाहर का बहुत ही अच्छा वाला है जो मैं आप लोगों को मैं बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा ही अच्छा वाला को मेरे को इधर लुक दे रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, यानी कि पीछे वाले की जो है यानी कि बहुत ही अच्छी वाली है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसी कार और भी आए तो और भी हम लोग बताएं, ठीक है। तभी यानी कि इसमें कार में यानी कि रात को देखने का बहुत ही मजा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, F8 को ओपन करेंगे। F8 ओपन के बाद हम लोग जाएंगे टाइम ऑप्शंस, उसमें जाने के बाद हम लोग को टाइम को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, रात ही कर देंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं बैक। अभी यानी कि रात का लुक देखो एक बार, कितना ही जोरदार लुक अभी दे रहा है, पूरा ही रेड। और आगे के साइड है, इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो जो आप लोग करना चाहते हो, ठीक है। तो इधर एक बार साउंड सुन लीजिए आप लोग कैसा दे रहा है, ठीक है। अच्छा वाला साउंड आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि मैं बताऊँ तो अच्छा वाला है, एकदम प्रॉपरली है, लुक भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है। तो चलो भाई आगे का हम लोग देखते हैं कि भाई कैसा है, आवाज़ कितना आ रहा है। एग्जॉस्ट भी इसके अंदर ही है, ओ वाह, ये पीछे का टायर भी ऐसे घूमता है, ये पीछे का टायर आप लोग भी देख सकते हो, बहुत ही ऑसम वाला है। ये ऐसी गाड़ी को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छी है। यदि आप लोग एड ऑन भी करना चाहते हो तो एड ऑन भी कर सकते हो, यानी कि चला के मैं आपको दिखाता हूँ एकदम परफेक्टली। हाँ, इसका ग्राउंड लेवल बहुत ही ज़्यादा काम है, इसलिए यानी कि बेनी भाई का वाटर वर्क में आप लोग जाके यानी कि कुछ भी कर सकते हो, नहीं मॉडिफिकेशन और भी कर सकते हो उसकी भी। तो यानी मेरे को यानी बहुत ही अच्छा लगा, यानी कि बेनी भाई का मोटर वर्क हम कैसे डाउनलोड करें वो भी यानी कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, मैं देखना मत भूलना, ठीक है। इसकी स्पीड भी आप लोग टेस्टिंग कर सकते हो, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई स्पीड टेस्ट करिए, यानी कि कितनी स्पीड आ रही है, क्या आ रही है, सब कुछ पता चल जाए, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। तो इधर से लेके हम लोग उधर चलते हैं, तो ऐसा नहीं तो मैं बताऊँ तो यानी कि 126 की स्पीड दे रही है, ज़्यादा नहीं दे रही है, ठीक है। तो इंस्टॉल भी कर सकते हो आप लोग, इसके स्टोरी मोड भी बना सकते हो, मैंने इंडिया से इंपोर्ट की हुई है, इसमें आप लोग यानी कि कुछ भी यानी कि अपने हिसाब से यानी कि स्टोरी भी बिल्ड डाल सकते हो। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा वीडियो, यानी कि मेरे को गाड़ी भी अच्छी लगी, वीडियो भी मैं अच्छा बना रहा हूँ। तो यार सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो सपोर्ट भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो अभी कैसी गाड़ी है मेरे को बताना, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। नीचे इसकी सारी यानी कि जो भी हम लोगों ने इंस्टॉलेशन किया है सब कुछ आप लोगों को नीचे की साइड मिल जाएगा, जल्दी से यानी कि डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद मेरे को कमेंट में बताना कि कैसे लग रही है, ठीक है। बाय बाय फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर दीजिएगा। बाय बाय।